किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर डेवलप करने के लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये समझना बहुत जरूरी होता है, जिसे समझने के लिए ब्रैडली कर्व हमारी मदद करता है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल ये जस्ट टॉक विद अंकुश। और आज के वीडियो में हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ ब्रैडली कर्व के बारे में, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रैडली कर्व के बारे में और वेरियस स्टेजेस ऑफ ब्रैडली कर्व के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट स्टार्ट। वॉट इज ब्रैडली कर्व? 90s के दशक में डूपॉन्ट के सीईओ एड उलार्ड ने डूपॉन्ट डिस्कवरी टीम को एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए नियुक्त किया जो ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी में स्थायी और अस्थायी सस्टेनेबल एंड लास्टिंग इम्प्रूवमेंट की अनुमति देगी। एंड द बेस्ट आउटकम ऑफ दैट टीम इज द ब्रैडली कर्व। और टीम के सदस्यों में से एक नाम के कारण, जिनका नाम वर्नन ब्रैडली था, उन पर इसका नाम दिया गया। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रैडली कर्व? ब्रैडली कर्व ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव सेफ्टी कल्चर डेवलप करने के लिए एक पॉइंट या स्टेज समझने के लिए मदद करता है। और एक बार हमें स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ जाए तो बेस्ट सेफ्टी कल्चर डेवलप करने के लिए हम उसमें छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं। असल में डूपॉन्ट का जो प्रपोजल है वो तीन कॉलम पर बेस्ड है। फर्स्ट लीडरशिप, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड प्रोसेस एंड एक्टिविटीज। अब हम जानते हैं ब्रैडली कर्व के स्टेजेस के बारे में, जिससे आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्टेज पे स्टैंड कर रहा है इसको समझने में आसानी होगी। फर्स्ट रिएक्टिव स्टेज, जिसे हम प्रतिक्रियाशील स्टेज कहेंगे, जिसमें सेफ्टी इंस्टिंक्ट पर आधारित होती है। इस स्टेज में एम्प्लॉय समस्या का हिस्सा होते हैं, समाधान नहीं, और ना तो मैनेजर किसी स्तर पर सेफ्टी के प्रति रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं और ना उनकी कोई सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट होती है। सेकंड डिपेंडेंट स्टेज, जिसे हम निर्भर स्टेज कहेंगे, जिसमें सेफ्टी मैनेजर पर आधारित होती है या हम किसी को देखकर सेफ्टी फॉलो करते हैं। इस स्टेज में एम्प्लॉय प्रॉब्लम का हिस्सा होते हैं पर समाधान नहीं, पर इस स्टेज में सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया होता है और सेफ्टी ऑफिसर ने सेटअप किए हुए रूल्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर एम्प्लॉय को फॉलो करते हैं और इन रूल्स को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी अचीव होती है, जिसे एक्सीडेंट रेट्स में कमी आती है। थर्ड इंडिपेंडेंस स्टेज, इस स्टेज में सेफ्टी सेल्फ प्रोटेक्शन पर आधारित होती है। इस स्टेज में एम्प्लॉय समाधान का हिस्सा होते हैं, समस्या का नहीं। इस स्टेज में एम्प्लॉय और मैनेजर्स प्रॉपर यूज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, प्रोसीजर कंप्लायंस, ट्रेनिंग एंड इंडिविजुअल कमिटमेंट के माध्यम से सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी लेते हैं और सेफ्टी तब हासिल होती है जब हर कोई अपनी देखभाल खुद करता है। फोर्थ इंडिपेंडेंस स्टेज, जिसमें सेफ्टी टीम वर्क पर आधारित होती है। इस स्टेज में एम्प्लॉय की टीम समाधान का हिस्सा होती है और हर स्टेज पर एम्प्लॉय और मैनेजर्स एक टीम के रूप में सेफ्टी के लिए कलेक्टिव जिम्मेदारी लेते हैं। इस स्टेज में सेफ्टी को वर्कलोड का एक हिस्सा माना जाता है और टीम किसी भी एम्प्लॉय का रिस्क लेना स्वीकार नहीं करती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना ओरिजिन ऑफ ब्रैडली कर्व के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रैडली कर्व के बारे में और वेरियस स्टेजेस ऑफ ब्रैडली कर्व के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।